पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने कई लोगों से ठगी करने के आरोप में फर्जी जश को गिरफ्तार किया। आरोप है कि इसने कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। ठग ने कई लोगों को लगाया चूना, लोगों से की करोड़ों रुपए की ठगी, कई राज्यों में लोगों को बनाया शिकार, अब पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी जज। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स जो खुद को जज बताता था, अब मुंह छिपाता दिखाई दे रहा है। लोगों से ठगी करने के लिए जज के रुतबे और रौब को दिखाता था, अब डर से इसका चेहरा लाल पड़ गया है। जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए समीर नाम के इस शख्स पर आरोप है कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर कई राज्यों में धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इस फर्जी जज की पोल तब खुली जब सिलीगुड़ी के एक व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि इसने उनसे लाखों रुपए ठग लिए। ये लोग यहाँ के कुछ बिजनेसमैन हैं, वो लोग से पैसा 91 लाख पैसा लिए हैं और काफी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स देके वो पैसा लिए हैं। इस फर्जी जज की सारी कुंडली खंगाली जा रही है, जल्द ही इसकी कारस्तानी उजागर होगी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस गिरोह में कई लोग बंगाल से बिहार तक जुड़े हुए हैं। पुलिस अब ऐसे लोगों की तलाश कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।